सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आपको बता दें, एक साल पूरा फ्री राशन मिलने वाला है। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान है, राशन की दुकान पर आपको एक साल पूरा फ्री राशन मिलेगा। मोदी सरकार ने क्या ऐलान किया है, आप इसके बारे में देख सकते हैं। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों के हित में ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लगभग 81 करोड़ लोगों को एक साल तक फ्री राशन देने का ऐलान किया है। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन का लाभ गरीबों को दिया जाता है। साल 2020 से शुरू हुआ ये राशन अब 2023 तक मिलेगा। देखिए क्या कहा है पीयूष गोयल ने। आपको बता दें, केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, उन्होंने कहा सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमशः 3, 2, 1 रुपए प्रति किलो की दर से देती है। सरकार ने फैसला लिया है कि 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा। इसमें 81 करोड़ लोगों को फायदा होगा। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, प्रभात खबर पर, अमर उजाला पर, हिंदुस्तान पर, हर जगह पर ये जानकारी है। साल 2023 तक अब आपको पूरा राशन मिलेगा। सरकार ने नए साल पर राशन कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। तो एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।